इस लेक्चर में हम एक शॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि आप अगर एक शॉप के ऊपर काम कर रहे हो तो आप कंप्यूटराइज्ड बिल कैसे बना सकते हो एक्सेल में। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक सिंपल सा बिल है, जैसे कि जिसमें लिखा हुआ है सबसे पहले फील्ड है सीरियल नंबर की, दूसरी प्रोडक्ट अशिया जो चीज़ें कौन कौन सी हैं, और तीसरे पे है हमारे पास प्राइस। तो कीबोर्ड 300 का हो गया, माउस 200 का हो गया, इसी तरह सीक्वेंस के साथ। लास्ट पे हमने इनका बिल निकालना है कि टोटल बिल ये कितना बनता है। तो टोटल के लिए हमने फार्मूला पिछले लेक्चर में देखा था, इज़ इक्वल टू सम एडिशन। एडिशन का फार्मूला हमने लगाया इनटू। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि यहाँ पर हमने अगर 300 को सिलेक्ट करना है तो इसके ऊपर हमने क्लिक किया या इस सेल का हमने नेम लिख देना है कामा, और फिर उसके बाद हमने इस सेल का नेम लिखना है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो आपने ये काम करना है कि इनको ऑटोमेटिकली, आप सारी सिलेक्शन अगर करना चाहते हैं तो माउस के बटन की मदद से ऐसे ड्रैग करके बॉटम की तरफ ले आएँ तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्शन इनकी हो जाएगी। ब्रैकेट को क्लोज़ करें और इंटर करें, ये देखें इसने रिज़ल्ट दे दिया है। इसी तरह ये भी हम निकाल सकते हैं, इसके साथ ब्रांड भी ऐड किए गए हैं, कीबोर्ड डेल वाला, सोनी वाला जो है माउस है, मॉनिटर है डेल वाला। तो इसके लिए भी हमने इज़ इक्वल टू सम इनटू, तो इसको भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। एक और मेथड आपको बताता हूँ, इस सेल का नाम क्या हुआ, H3। मैंने कीबोर्ड से लिखा H3 और उसके बाद हमने कहाँ तक इसको लेके आना है, H7 तक। तो कीबोर्ड से हम कॉलन लगा लेते हैं ये, और उसके बाद हम आखिरी सेल का नेम क्या है, H7। तो हमने कीबोर्ड से H7 प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली ये H3 से लेके H7 तक ये सिलेक्शन कर लेगा। ब्रैकेट क्लोज़ और इंटर। अब आ जाते हैं एक और क्रिटिकल बिल, इसमें क्वांटिटी भी ऐड की गई है। कीबोर्ड एक 300 रुपये का है तो बंदा कितने ले रहा है, 5, तो टोटल इसका निकालना है, इसी तरह इस प्रोडक्ट का और लास्ट पे भी टोटल। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला चलेगा, कीबोर्ड 300 का एक 5 ले रहा है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू, और अब हमने M3 और N3 दोनों की सिलेक्शन इकट्ठी कर लेनी है। तो आपने ये काम करना है, या कीबोर्ड से आप ऐसे भी प्रेस कर सकते हैं, N3, N3 सेल का नेम लिख देना है, ब्रैकेट क्लोज और इंटर किया हमने। ये देखें इसका आंसर ये दे चुका है। अब इसको भी ड्रैग करके हम बॉटम की तरफ ले आते हैं। अब टोटल बिल निकालते हैं इसका, कि टोटल जो है ये बिल कितना बनता है। तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा एडिशन का, इज़ इक्वल टू सम इनटू, तो यहाँ से O2 से लेके O7 तक, ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो ये भी आंसर आ गया हमारा। अब यहाँ पर इसको देखते हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर आप बिल कैसे बनाओगे। तो इसमें तो आखिर पे टोटल दिया गया है ना, तो ये हमने टोटल यहाँ पर प्रोडक्ट किया, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप बिल कैसे निकाल सकते हैं। कीबोर्ड एक 300 रुपये का है, 5 उसने लिए, माउस 200 का एक 6 उसने लिए, और आखिर पे ऑटोमेटिकली आपने इनको कैलकुलेट करके प्राइस को क्वांटिटी के साथ ज़रब देने के बाद लास्ट पे आप कैसे इसका रिजल्ट निकालोगे। तो इसके लिए हमने दो फार्मूले जोड़ के लगाने हैं, इज़ इक्वल टू सम प्रोडक्ट, इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट का फार्मूला हमने लिया। तो नीचे ये बता रहा है सजेशन कि इसने इसको आपने कैसे सॉल्व करना है। अरे वन कौन सी हुई, प्राइस वाला जो कॉलम पूरा है ये सारा आपने सेलेक्ट कर लेना है। कामा लगाएं, इसने भी कामा लगाया है। तो हमने ये काम करना है कि अरे 2 कहता है, अरे 2 हमारी यहाँ पर क्वान्टिटी होगी, तो क्वान्टिटी वाला जो पूरा कॉलम है उसको हमने सेलेक्ट किया। तो अब हमने ब्रैकेट को क्लोज़ कर देना है और इंटर को प्रेस करते हैं, तो देखें हमारे पास रिज़ल्ट आ चुका है। ये देखें, ये भी टोटल बिल इतना ही है और ये भी इतना ही है, दोनों सेम है। इसमें एक स्टेप हमने ऐड किया था टोटल वाला, और इसमें एक स्टेप हमने स्किप कर दिया और डायरेक्ट यहाँ पर सम प्रोडक्ट का फार्मूला लगाया और इसका आंसर हमने निकाल लिया।